फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक्सपेरिमेंट ड्रीमर में। तो गाइस, आखिरकार मैंने मेरे चैनल का नाम बदल दिया है, साइंस एक्सपेरिमेंट से लेके एक्सपेरिमेंट ड्रीमर में मैंने रख दिया है। ऐसा मैंने क्योंकि आपको बता देता हूँ, क्योंकि साइंस एक्सपेरिमेंट जब भी सर्च करते तभी आता नहीं है चैनल मेरा यूट्यूब पे, तो एक्सपेरिमेंट ड्रीमर अगर आप भी आप सर्च करोगे तो पक्का आएगा, 100% मैं देता हूँ। आप एक्सपेरिमेंट ड्रीमर सर्च करो, वो आ जाएगा। तो ये जो वीडियो है, ये एक कमेंट के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक कमेंट आई थी एक बंदे की कि ये जो हमारा टेप है, ये सोनी का जो टेप है हमारा, हमने एरर इसका एरर हमने फिक्स किया था। आपको याद होगा कि MSCGN Z8D ये टेप था और इसका एरर हमने फिक्स किया था। DVD का एरर था C3100। अगर आपको वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो, वरना ऊपर आई बटन पे आया होगा, वहां पे क्लिक करके आप जाके देख सकते हो। तो उसका एरर था C3100, तो वो एरर हमने इसका फिक्स किया था। फिर उसके ऊपर कमेंट आई थी कि ये जो टेप है ये पुराना टेप है, तो ये पुराने टीवी को ही चल सकता है, तो इसे LED टीवी को हम कैसे चलाएं, इसके DVD अगर हमने इसके अंदर DVD डाली तो फिर वो LED टीवी के ऊपर कैसे देख सकते हैं, वरना इसका फोन का जो म्यूजिक है वो हम टेप के ऊपर कैसे चला सकते हैं। तो फिर इसके ऊपर ही मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हम फोन का जो म्यूजिक है टेप के ऊपर कैसे ला सकते हैं, और टेप में से जो वीडियो है और ऑडियो है वो भी हम LED टीवी के ऊपर कैसे ला सकते हैं। तो गाइस, चलिए देखते हैं कि फोन का ऑडियो जो है वो हमारे टेप के अंदर कैसे डाल सकते हैं। सोनी का साउंड क्वालिटी जो रहता है वो काफी बेस्ट रहता है, इसलिए आप कैसे हम फोन का ऑडियो इसके अंदर डाल सकते हैं ये आपको चाहिए देखना है। तो आपको कुछ इस तरीके के केबल लगेगी, देखो यहाँ पे है ऑक्स जो कि लगेगा हमारे फोन में, रुको मैं फोकस करता हूँ, ये है ऑक्स जो कि लगेगी हमारे फोन में, और ये जो दो है ये लगेंगे हमारे टेप में, एक लेफ्ट साइड में लगेगा और एक राइट साइड में लगेगा। तो ये मैं दिखा देता हूँ इसे क्या बोलते हैं। तो ये देखिए, आप इसे परचेज, तो देखिए ये आप अमेजोन से परचेस कर सकते हो। इसकी परचेस लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, आप जाके देख सकते हो। इस केबल को बोलते हैं पीट्रॉन केबल, आप सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, तो आप इसे परचेस करना पड़ेगा इसे। तो आप भी चलिए देखते हैं कि इसे कैसे फिट करना है, कौन से फीमेल साइड में फिट करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो इनपुट, हमारे टेप में वीडियो का मोड भी है एक, तो यहाँ पे देख सकते हो वीडियो इनपुट, यहाँ पे तीन फीमेल आपको दिखेंगे, एक वीडियो का है, एक लेफ्ट ऑडियो का और एक राइट ऑडियो का है। तो आपको ये जो दो पिंस दो केबल है इन्हें लेफ्ट और एक जो है राइट के इसमें आपको डालना पड़ेगा, देखो ये लेफ्ट ऑडियो और ये राइट ऑडियो, तो इन दोनों को लेफ्ट ऑडियो में और राइट ऑडियो में डाल दिया है। तो अब भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप इसे प्ले कैसे कर सकते हो। तो ये मैंने अभी स्टार्ट किया हमारे टेप को, थोड़ा बैकग्राउंड में म्यूजिक आएगा लेकिन इतना कुछ नहीं है। तो ये देखिए हमारा स्टार्ट हो चुका है, और इसे करते हैं वीडियो मोड पे, देखो ये है वीडियो, तो इसे किया वीडियो मोड पे, ये देखिए ये वीडियो में आया। अब भी मैं दिखाता हूँ आपको एक गाना बजा के NCS का, तो ये हमारे NCS का। तो सबसे पहले इसे लगा लेते हैं, ऑक्स को इसके अंदर लगा लेते हैं। तो अब भी मैं NCS का म्यूजिक प्ले करता हूँ, देखो ये ऑक्स है और ये ऑक्स का फोन के ऑक्स जैक में डाल देना है, और बस एक गाना प्ले कर दो, देखो सुन सकते हो आप, हमारे स्पीकर में से आवाज आ रही है ना कि फोन में से, सुन सकते हो।
अभी ये के स्पीकर और इस स्पीकर में से भी सुन सकते हो कि हमारी आवाज जो है फोन से टेप को आ रही है और टेप से स्पीकर्स को। तो जैसे कि देख सकते हो हमारे फोन से ऑडियो है वो टेप में आ रहा है और ये हमारा वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स जो टी का सॉरी जो टेप का वीडियो है मतलब डीवीडी से, ये अभी मैं ऑफ कर देता हूँ टेप को, तो जो टेप का डीवीडी का वीडियो है और ऑडियो है वो आप इसके अंदर एलईडी टीवी के अंदर कैसे लग सकते हैं। डीवीडी वरना आप सीडी भी बोल सकते हो, उसमें का जो पिक्चर आपको देखना होगा क्योंकि ये जो सोनी का है एम्पलीफायर ये होम थिएटर है तो आपको आवाज क्वालिटी अच्छी चाहिए होगी, इसलिए आप डीवीडी का वरना फिर सीडी का वीडियो इसके अंदर एलईडी स्क्रीन के अंदर कैसे लग सकते है। तो ये काम करने के लिए आपको लगेगी इस तरह की ऑक्स केबल्स, देखो येल्लो व्हाइट रेड, इस पॉइंट पे भी तीन है येल्लो व्हाइट रेड और इस पॉइंट पे भी येल्लो व्हाइट रेड है। ये वाली ऑक्स केबल आपको लगेगी, आप इस इमेज में देख सकते हो, तो ये वाली ऑक्स केबल लगेगी। तो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको ये ऑक्स केबल्स कहाँ पे लगाने हैं। सबसे पहले टेप को पहले पिछली साइड हमें टेप की लेनी पड़ेगी, पिछली साइड हमें टेप की लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख ही सकते हो ये बहुत सारे इसके आउटपुट्स इनपुट्स है। ये देखो आउटपुट इनपुट, यहाँ पे भी आउटपुट इनपुट। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो ये जो है ये है, ये जो है ये ऑडियो के आउटपुट, यहाँ पे ऑडियो के आउटपुट है और यहाँ पे ऑडियो की इनपुट है। तो हमें क्या करना है, ये जो रेड और व्हाइट कलर की वह ऑक्स है, मैं इसको ऑक्स बोलूंगा, आप इसे ऑक्स बोल सकते हो वरना केबल बोल सकते हो। तो ये जो ऑक्स है, तो ये जो केबल है ये मैं यहाँ पे लगाऊंगा रेड की रेड के होल में, और आउट केस में लगाना दोस्तों, इन केस में मत लगाना क्योंकि हमें ऑडियो और वीडियो आउट भेजने। तो ये इन की साइड है, यहाँ पे मैंने नहीं लगाया, आउट के साइड में लगाए। तो दोस्तों ये जो सेक्शन में हमने लगाया ये टीवी और एसएटी मतलब साटा टीवी और साटा केबल के सेक्शन में हमने लगाया है, ये यहाँ पे और यहाँ पे, और ये हमने कलर के मुताबिक लगाया, यहाँ पे व्हाइट था तो व्हाइट लगाया और यहाँ पे रेड था तो रेड में लगाया, लेकिन आउट के इसमें लगाया। ये जो दो वायर से या ऑडियो के वायर से अब भी लगाते वीडियो के, तो ये लो जो ये वीडियो की वायर है, तो ये कहाँ पे लगानी है, ये देखो यहाँ पे ग्रीन ब्लू रेड है, तो ये जो तीन है ये है कंपोनेंट वीडियो आउट, इसके अंदर हमें नहीं लगाना है। इसके आगे जाते हैं तो है एस वीडियो आउट, इसके अंदर भी नहीं लगाना है, इसके अंदर इसके आगे है वीडियो आउट, तो वीडियो आउट के अंदर हमें ये जो येलो कलर की केबल है ये लगा देनी है। तो आप भी देख सकते हो ये जो है यहाँ पे लग चुके हैं ऑडियो के दो केबल्स और एक वीडियो की केबल। तो ये लग गई है टेप को, अभी दिखाता हूँ एलईडी टीवी को आपके कहाँ पे लगाना है। आपके टीवी के पीछे काफी सारे इनपुट और आउटपुट के ऐसे फीमेल्स देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे टीवी के पीछे आप देख ही सकते हो यहाँ पे है आर ऑडियो मतलब ये राइट ऑडियो का है और ये है लेफ्ट ऑडियो का, ये है इनपुट का, ये सारा जो पीछे का है ये इनपुट का है। और रुको मैं आपको ठीक से दिखा दूँ, देखो एलपीसी ऑडियो इन, तो ये जो दो है ये इनपुट के। तो हमने टेप को लगाए थे, एक वाइट की लगाई थी और एक रेड की लगाई थी, तो ये रेड की रेड को लगा देते और ये वाइट की वाइट को लगा देते, और जो वीडियो की है वो वीडियो की है येलो कलर की, रुको दिखा देता हूँ, देखो ये जो है ये येलो कलर की है। तो यहाँ पे है हमारा वीडियो वाई मतलब वीडियो इनपुट का है, तो यहाँ पे वीडियो इनपुट के यहाँ पे हम ये लगा देंगे केबल। तो टी के पीछे भी हमने लगा दिए ये दो ऑडियो इनपुट के और ये के वीडियो इनपुट के। तो अब भी जो है हमारे टेप्स के भी वीडियो और ऑडियो को लग चुके हैं,
और टीवी के भी पीछे वीडियो और ऑडियो केबल्स लग चुके हैं। तो अब भी क्या करते हैं, डीवीडी के और सीडी के जो वीडियो और ऑडियो होंगे वो हमें टीवी में दिख जाएंगे। जो मेन जो है हमें वीडियो ही दिखना मांगता है कि ऑडियो जो है हमारे होम थिएटर से ही आएंगे। तो पहले टेप को सीधा कर लेते हैं और अब भी टेस्ट करते कि ये चल रहा है या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैं अपना टीवी जो है ऑन कर लेता हूँ। तो ये टेप भी चालू हो चुका है, टीवी भी चालू हो चुका है, वो मैं कर दूँ। तो यहाँ पे आप भी देख सकते हो टेप भी हमारा स्टार्ट हो चुका है और टीवी भी स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, कॉपीराइट ना लगे इसलिए वीडियो सीडी ले रहा हूँ बालकनी की। तो अभी डीवीडी के ऊपर कर लेते हैं हमारा टेप का। और इसे खोलते सबसे पहले, तो देखो ये खुल रहा है, खुला। ये निकालते सीढ़ी, इसके अंदर डाली बाल गणेश की। और ये है डिस्क नंबर 2, तो ये डिस्क नंबर 2 पे करते हैं स्विच। जैसे ही ये रीड करेगा हमारे सीडी को, हमारे टीवी के ऊपर वो जो है बाल गणेश का वो आ जाएगा। तो अगर हमने डिस्क डाली लेकिन टीवी के ऊपर नहीं आया, तो आपके पास ऑप्शन ऐसा है कि सबसे पहले आपको जाना होगा टीवी के यहाँ पे इनपुट लिस्ट में। इनपुट लिस्ट में जाने के बाद आपको जाना होगा एवी में। और एवी में जाते ही देखो हमारे बाल गणेश की जो सीढ़ी है वो चल चुकी है। मैं एक काम करता हूँ, आपको फिर से निकाल के दिखाता हूँ, फिर से डाल के दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे रिज्यूम देखो, सोनी डीवीडी प्लेयर और सोनी का जो है वो आ चुका है हमारे एलईडी स्क्रीन पे। तो अभी ये मैं ओपन करता हूँ। जैसे ही ओपन करते वहां पे सिंबल आ रहा था, तो ये ओपन करते हैं। ये ओपन की, ये हमने अभी निकाला, तो ये हमने अभी फिर से निकाला। और मैं डिस्क चेंज कर देता हूँ, डिस्क 3 में से डिस्क 1 में डाल देता हूँ और फिर से प्रेस कर देता हूँ और अंदर जाने दो। तो यहाँ पे देख ही सकते हो कि सोनी का और सोनी डीवीडी प्लेयर का जो स्क्रीन है वो अभी तक यहाँ पे ही है एलईडी स्क्रीन पे। अब भी जैसे ही वो रीड करेगा देखो हमारे यहाँ पे आ जाएगा। और वो जो डीवीडी है वो थोड़ी सी खराब है, इसलिए अटक 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 के चलेगी। डीवीडी का प्रॉब्लम है, वो टेप का नहीं होगा। वो अभी रीडिंग कर रहा है वहाँ पे, जैसे ही रीड करेगा हमारा चालू हो जाएगा। देखो वो रीडिंग कर रहा है, अब भी देखते हैं रीडिंग कर रहा है। और ये मैंने चालू किया और जिसके देख ही सकते हो। और जैसे कि देख ही सकते हो ये जो है स्पीकर में से काफी अच्छी आवाज आ रही है, इसलिए तो हम डीवीडी लगाते हैं सोनी एम्पलीफायर MSC GNZ8D के ऊपर। और वीडियो जो है वो यहाँ पे देख ही सकते हो। मैं ऑडियो कम कर देता हूँ इसका थोड़ा। ये देखो 3%, मतलब देखो मैंने बस 5% ही रखा है वॉल्यूम, फिर भी कितना ज्यादा वॉल्यूम है। तो यही इसकी खासियत है जो है टेप का, जो वीडियो है डीवीडी का है वो हमें एलईडी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो देखो डिजिटल वीडियो सीडी डिस्क 1। तो मैं फर्स्ट के ऊपर क्लिक करके इसे प्ले करता हूँ। अब भी जो है मैंने वीडियो को प्ले किया है, जैसे कि देख ही सकते हो ये फिर से उसका शिमारू का इंट्रो लग गया है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं। लेकिन जो हमारा था वीडियो का, मतलब टेप से एलईडी स्क्रीन के ऊपर वीडियो लाने का, वो हमारा वर्क कर गया है दोस्तों। यही तो हमें चाहिए था। अभी मैं साउंड क्वालिटी आपको दिखा देता हूँ। अब भी है साउंड सिर्फ और 6 के ऊपर। अब भी देखो आप, ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होने दो इसे। और अब भी देखो मैं 6 के ऊपर था, तो देखो सिर्फ 14।
14 के ऊपर था तो कितना आवाज था। इसी के लिए मैंने ये टेप को ठीक से बहुत अच्छे से रिपेयर किया डीवीडी के लिए, खास के लिए। अभी तो आ जाते ब्लूटूथ के, लेकिन ये तो था इसलिए फिर मैंने C3100 एरर फिक्स किया था। और अभी तो एलईडी स्क्रीन के ऊपर भी वीडियो हमारा चल रहा है, वॉच किए। और अगर आपको इस वीडियो को पॉज करना है वरना तो आप रिज्यूम कर सकते हो और फिर ये वीडियो बंद हो जाएगा। और डायरेक्टली अगर आप टेप को बंद कर देते हो तो टी के ऊपर का भी बंद हो जाता है। तो यही था आज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना वीडियो कैसे लगा और चैनल का नाम कैसे लगा। थैंक यू।